हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देने का प्रयास करेंगे ताकि स्पोकन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जब हम बोलते हैं तो कभी कभी ऐसे वाक्य भी मिलते हैं कि हमें एक गिलास पानी चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कभी भी सड़क पर हमें बाएं से क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चाहिए जिन वाक्यों में मिलता है ऐसे वाक्य निश्चित रूप से कभी कभी हमें कठिनाई का भाव बोध कराते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कि चाहिए का अनुवाद हमें कैसे करना है। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए हम देखते हैं फ्रेंड्स, चाहिए के लिए क्या क्या यूज करते हैं। इसके लिए तीन शब्द हैं। एक तो है फ्रेंड्स शुड। इसका प्रयोग हम चाहिए के भाव में तब करेंगे जब सामान्य रूप में किसी कार्य का बोध हो और चाहिए हो। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए, आप देखें तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब यहां पर आपको करना क्या है, तुम्हें के लिए आप सीधे लिखेंगे सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब के रूप में चाहिए के भाव को प्रकट करने के लिए लिखेंगे शुड। वी वन यू शुड गो देयर। बात आप समझ पा रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में आपने लिखा तुम, मीन्स इसका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स होगा, आप सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट प्लस शुड, इसके बाद वी वन प्लस अदर्स। तो यू शुड गो देयर, यू आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब चाहिए के लिए, वी वन गो देयर, तो इस ढंग से बनाएगा। दूसरा देखते हैं, लड़कों को कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए। अब फ्रेंड्स, इसको हमें कैसे बनाना है, बच्चों को कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए। तो शोर मचाने का मतलब शोर करना, ये मचाना की इंग्लिश आप मत खोजिएगा कि मचाना की अंग्रेजी क्या होगी। तो आइए हम देखते हैं, बच्चों को तो आप क्या लिखेंगे, या लड़कों को बॉयज, अब शोर नहीं करना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा शुड, बॉयज शुड नॉट, शोर करना के लिए होता है मेक अ नॉइस, बॉयज शुड नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप चाहिए के लिए सामान्य भाव में तुम्हें बाजार जाना चाहिए, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ऐसे वाक्यों में हम इसी स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे। और यदि फ्रेंड्स चाहिए के लिए आपको हम एक दूसरे स्थिति से जोड़ते हैं, यदि कार्य की बाध्यता हो तो बाध्यता की स्थिति में आप क्या करेंगे, बाध्यता पर कार्य की जहां अनिवार्यता हो, बाध्यता हो, तो वहां हम यूज करेंगे मस्ट। तो आप वहां लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वी वन प्लस अदर्स। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको मस्ट मीन्स अनिवार्यता, बाध्यता, मजबूरी, जहां पर मजबूरी बस किसी कार्य को करने का भाव प्रकट हो वहां हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे तुम्हें आज यहां यह कार्य अवश्य करना चाहिए, तुम्हें आज मार्केट में बाजार में अवश्य जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अवश्य मीन्स अनिवार्य रूप से, अनिवार्यता है, तुम्हें बाजार जाना अनिवार्य है। तो आप यहां पर इसको कैसे करेंगे, हिंदी आप नोट कर लें, तुम्हें आज बाजार अवश्य जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप सब्जेक्ट में लिखेंगे तुम्हें के लिए यू, अवश्य जाना हमारे मस्ट है, तो आप यहां पर लिखेंगे यू मस्ट, वी वन यू मस्ट गो टू मार्केट
टुडे। तो यहां आप देख रहे हैं कि यदि बाध्यता हो, मजबूरी हो, कोई कार्य करना अति आवश्यक हो, तो फ्रेंड्स वहां पर हम निश्चित रूप से क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे और उसके साथ वीवन जरूर लिखेंगे। आइए और एग्जांपल देखते हैं। उसे आज यह कार्य अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आप समझ रहे हैं कि यह कार्य अवश्य करना चाहिए। अवश्य शब्द बता रहा है कि आप जो है निश्चित रूप से कार्य की बाध्यता है, अनिवार्यता है। तो यहां पर आप उसे के लिए क्या लिखेंगे, ही, और उन्हें होता तो आप दे लिख सकते हैं। यह कार्य अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए मीन्स मस्ट, ही मस्ट डू दिस वर्क, ही मस्ट डू दिस वर्क टूडे। यह ट्रेंड से क्या होता, उन्हें होता, उन्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए मीन्स प्लूरल का बोध होता तो आप वहां दे का भी यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि कार्य की बाध्यता की स्थिति में जहां पर कार्य बाध्य हो, कार्य को करने की बाध्यता का भाव प्रकट हो, तो मस्ट सामान्य भाव में सुझाव देने के लिए, सलाह देने के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। और फ्रेंड्स आपको हम दिखा रहे हैं यदि आपको फ्रेंड्स कुछ ऐसे वाक्य ऐसा चाहिए जहां पर बोध हो नैतिक कार्यों का, तो आइए हम देखते हैं उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आप लिखेंगे R2 प्लस V1 प्लस अदर्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स R2 के साथ भी V1 का ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है ये समझना है कि सेंस हमारा क्या है। सेंस आपका अगर नैतिक हो, नैतिकता से पूर्ण हो, नैतिक के भाव में अगर आपका सेंस लग रहा हो, तो आपको निश्चित रूप से मस्ट के सॉरी V1 प्लस R2 यूज करना है। जैसे हर नागरिक को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, फ्रेंड्स देश की सेवा करना मोरलिटी है, नैतिकता है। तो आइए देखते हैं हम, हर व्यक्ति को अपने देश की सेवा करनी चाहिए। अब यहां पर आपने क्या देखा, चाहिए का बोध हो और सेवा करना मीन्स मोरलिटी को शो कर रहा है। तो हर व्यक्ति को इसके लिए आप क्या लिखेंगे, एवरीवन। अब सेवा, देश की सेवा करना बहुत महान कार्य है, तो एवरीवन सब्जेक्ट हुआ, अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप लिखेंगे R2। ये फ्रेंड्स एक मॉडल ऑक्सिलरी है, तो एवरीवन R2 सर्व, अपने देश की, हिज कंट्री। उसे अपने माता पिता, उसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पर आप उसे के लिए क्या लिखेंगे, ही R2 ओबे हिज पेरेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट R2 और V1 का प्रयोग करके हम चाहिए के तीन भाव को पढ़े, एक सूट जो एडवाइस के लिए, परामर्श के लिए, या सामान्य कार्य के चाहिए का बोध कराने के भाव में होता है। दूसरा होता है फ्रेंड्स
अनिवार्यता के भाव में मस्ट का प्रयोग होता है और नैतिक कार्यों को कंप्लीट करने के लिए हम आर टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम आपको तीनों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देते हैं, सवालों को आप जो है बनाइए और संभव हो तो कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका ट्रांसलेशन सही सही क्या होगा। नोट कीजिए, पहला सेंटेंस है, नोट कीजिए पहला सेंटेंस, हर व्यक्ति को सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति को सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा लिखिए, हमें कोरोना से बचने का पूरी तरह से उपाय करना चाहिए। जी नोट कीजिए, हमें कोरोना से बचने के लिए पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। और थर्ड है फ्रेंड्स, आप उसको भी नोट कर लें कि बच्चों को प्रतिदिन अपने पाठ अवश्य तैयार करने चाहिए या याद करने चाहिए। हम चाहेंगे कि इन तीनों को आप पढ़ें, सॉरी नियमों को पढ़ करके आप इनको लिखें और कमेंट करके मुझे बताने का प्रयास करें कि वास्तव में इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और साथ साथ शेयर करके परोपकार और पुण्य भी कमाएं ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिले। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।